मुंबई में तूफान ताऊते ने अपना कोहराम मचाया हुआ है, जहां एक ओर कई पेड़ उखड़ गए और सड़कों पर पानी भर गया। मुंबई से लेकर गुजरात के तटों तक इसका असर देखने को मिला। वहीं ऐसे हालातों में अब बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की फिल्म मैदान की सेट पर भी ताऊते ने कोहराम मचाया है। अजय की फिल्म के सेट पर ताऊते की वजह से भारी नुकसान हुआ है। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अजय देवगन की फिल्म मैदान की शूटिंग के लिए मुंबई में एक बड़ा सेट लगाया गया। जिस समय ताऊते अपना कोहराम मचा रहा था, उस समय सेट पर लगभग 40 लोग मौजूद थे। सभी लोगों ने सेट को बचाने की कोशिश जरूर की, लेकिन वो सफल नहीं हुए और ये पूरा सेट तबाह हो गया। हालांकि राहत की बात यह है कि सेट पर तूफान की वजह से किसी को नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन सेट अब शूट करने लायक नहीं बचा है। 16 एकड़ में फैले इस सेट पर ताऊते ने सब बर्बाद कर दिया। बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग कोलकाता और लखनऊ में भी की गई थी। अब मुंबई में लगाए हुए सेट पर फुटबॉल के मैच वाले पार्ट की शूटिंग पूरी होनी थी, लेकिन अब सेट के तबाह होने के बाद फिल्म की शूटिंग पर भी असर पड़ना तय है। बता दें कि सिर्फ अजय देवगन ही नहीं, उनसे पहले सलमान खान की टाइगर 3 के सेट पर भी ताऊते ने काफी नुकसान पहुंचाया। वहीं आलिया रणबीर और यहां तक कि अमिताभ बच्चन के बंगले जनक में भी पानी घुस गया था। फिल्म मैदान में अजय देवगन के अलावा प्रिया मणि और गजराज राव लीड रोल में नजर आएंगे। ये फिल्म साल 1950 से 1963 तक भारतीय फुटबॉल टीम के मैनेजर और कोच रहे सैयद अब्दुल रहीम के जीवन पर बेस्ड है। फिल्म में अब्दुल रहीम का किरदार खुद अजय देवगन निभा रहे हैं। ये फिल्म बोनी कपूर, अरुणावा जॉय, सेन गुप्ता और आकाश चावला मिलकर बना रहे हैं। मैदान के निर्देशक अमित शर्मा हैं।